भाई 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 सर, पंगा मूवी देख के आ रहे हैं। कैसे लगी सर? कैसे लगी? बहुत अच्छी मूवी है। कुछ ऐसा चीज जो इसमें आपको यूनिक लगा, डिफरेंट लगा कि क्यों? बहुत यूनिक ऐसा लगा कि लेडीज हु जस्ट सैक्रिफाइस देयर फैमिलीज, दे कैन कम बैक एनी टाइम। मूवी का ट्रेलर देख के लगता है कि स्लो है मूवी, तो ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, स्लो भी कुछ नहीं है, मूवी अच्छी है, हंसाया भी है, रुलाया भी है, उसने सब कुछ किया है मूवी में, और कॉमेडी भी दिया थोड़ा। ओके, ग्रेट ग्रेट। किसकी एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी? कंगना रनौत। एंड दैट बॉय हु इज एक्टिंग इन दैट मूवी, आई डोंट नो हिज नेम, ही इज आल्सो एक्टेड वेरी वेल। एंड व्हाट अबाउट द म्यूजिक एंड डायरेक्शन? म्यूजिक इज बैकग्राउंड म्यूजिक, बट वेरी गुड, वेरी गुड म्यूजिक। डायरेक्शन इज आल्सो गुड, डायलॉग राइटर इज गुड। आउट ऑफ 5, 5 out of 5. थैंक यू सर। मूवी देख के आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा? पंगा मूवी देख कर आए हैं, बहुत अच्छी मूवी है। लाइक हम लोग स्पेशली कंगना रनौत के लिए आए हैं, उनकी एक्टिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, उनकी स्पेशल उनके लिए आए मूवी देखने। व्हाट इज वन गुड थिंग अबाउट दिस मूवी एंड यूनिक, सो दैट पीपल शुड गो एंड वॉच दिस मूवी? यूनिक तो देखिए वही है कि एक वूमेन के लिए एक वापस अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको वापस चांस मिलता है कुछ लाइफ में करने के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, तो वो बेस्ट पार्ट है। इंस्पायर, एक इंस्पायर मूवी है, लेडीज़ को इंस्पायर करती है, स्पेशली हाउसवाइफ को। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी दो बेटे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ऋचा चड्ढा की, एक्टिंग बहुत अच्छी है, इवन वो स्मॉल चाइल्ड अच्छी। वाज देयर एनी मोमेंट फ्रॉम द फिल्म व्हिच रियली टच योर हार्ट? रियली टच जब ही कंगना रनौत बोलती है कि मेरी हद मुझे देखनी है, मुझे अपनी हद देखनी है कहाँ तक है, वो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत है कि वो बोलती है हाउसवाइफ तो सिर्फ काम के लिए है, क्या क्या कर सकती है। लाइक अश्विनी अय्यर जो डायरेक्टर है, सो यू नो शी इज नोन फॉर पुटिंग स्लाइस ऑफ लाइफ और बिग सिनेमास, तो डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दैट शी सक्सीडेड इन यू नो डिलीवरिंग द मैसेज दैट शी वांटेड टू? अच्छा मैसेज है, गुड मैसेज ना फॉर हाउसवाइफ। मैम म्यूजिक कैसा लगा आपको? म्यूजिक नाइस, डिसेंट। आप लोगों को रेकमेंड करोगे ये फिल्म देखने के लिए? या श्योर। मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक हर पर्सन को ये मूवी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है, इंस्पिरेशन है, इट्स अ वेरी गुड मूवी। डायरेक्शन कैसा सर मूवी का? सर डायरेक्शन वाइज मैं कहूँगा बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है, प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से किया। गाने कैसे थे मूवी के? गाने भी अच्छे थे, दे वर गुड। कंगना का काम कैसा लगा? सर कंगना हमेशा अपने रोल के साथ जस्टिस करती आई है और इस बार भी उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस किए एंड बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार निभाया। मीना गुप्ता का काम कैसा? जी सब ने बहुत अच्छे से अपना काम किया एंड दे ऑल वर वेरी गुड। मैसेज में यही है कि लाइक हम अपने आप से अगर फाइट करें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें दुनिया से नहीं, अपने आप से, अपने आलस से, अपने जो सेटबैक्स हैं उनसे फाइट करके हमें आगे निकलना होता है। इस फिल्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश किया है, तो कोई मोमेंट था ऐसा पूरा फिल्म में से जो आपके दिल को छू गया, आप शेयर करना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि लाइक ऑफकोर्स जिस टाइम वो रियलाइज़ करते हैं कि लाइक हाँ भाई वो अचीव करने के बाद में भी उनको वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि नहीं है, तो फिर से वो जब वो उस चीज़ को फाइट करते हैं और वो बाहर निकलते हैं और वो विनर बनती हैं, दैट्स अ ग्रेट मैसेज, इट्स अ गुड मैसेज। डायरेक्शन इज गुड, ऑन द होल द मूवी इज ऑन द होल गुड। 5 में से कितना स्टार्ट हो गया? 5 में से 4, श्योर। थैंक यू सर।
थैंक यू। मैं कुछ और पर्पज से आया था, एज ए सोचा कि चलो एक इंस्पिरेशन मूवी हर सब बार देखता हूँ तो एक और स्पोर्ट्स की मूवी हो जाएगी, लेकिन इंस्पिरेशन से ज़्यादा एक और इंस्पिरेशन जरूरी है जो फैमिली में होती है। सर डायरेक्शन कैसा था मूवी का? डायरेक्शन शुरू में लगा बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, बट मुझे लास्ट में एक लाइन बहुत अच्छी लगी, वो थी कि अपने लिमिट से पंगा लो, ये लास्ट में समझ में आएगा जब आप देखते हो। कंगना का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। नीना गुप्ता का काम कैसा लगा? नीना गुप्ता एज यूजुअल वो तो परफेक्ट है एकदम, वैसे रहे। गाने कैसे थे? गाने भी ठीक ठाक थे। अश्विनी अय्यर तिवारी, एवरी टाइम शी कम्स शी ट्राइज टू पोर्ट्रे अ स्लाइस ऑफ लाइफ ऑन बिग स्क्रीन, सो यू थिंक शी सक्सीडेड इन डिलीवरिंग द मैसेज? या मोर देन एक्सपेक्टेशन। मोर देन ऐसा मोमेंट था पूरे फिल्म में से जो आपके दिल को छू गया, आप शेयर करना चाहोगे? नहीं, एवरी मोमेंट, बिकॉज मैं हस्बैंड में ये भी जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि साथ में आना चाहता था, क्योंकि इसकी भी लाइफ ऐसे ही है, इसने छोड़ दिया है, और यहाँ पे प्रॉब्लम फैमिली की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है अपने लिमिट से पंगा लेना, नहीं मेरा एज हो गया है, बच्चे हैं, ये है, ये सोच के रुक जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, जो शायद बहुत रेयर मूवी में लेते हैं हम लोग, क्या होता है ना हाईलाइट्स लेते हैं, लेकिन इसमें डिटेलिंग ली गई है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बोरिंगनेस ही ना स्ट्रेंथ है इस मूवी की। म्यूज़िक सब मिक्स है, मैं एग्जैक्टली वर्ड उतने याद नहीं रहते मुझे, लेकिन सब पार्ट ऑफ द मूवी लग रहा था, कभी कभी आंसू भी निकल रहे थे, कभी कभी हंस भी रहा था, तो छोटे छोटे मोमेंट थे जो एक्चुअली टच कर रहा था। पाँच में से कितना स्टार हो गया? या 4.5। थैंक यू सर। सर पंगा देख के आ रहे हैं तो कितना पंगा लिया है कंगना ने? पंगा तो ज़बरदस्त लिया है सर, लेकिन पंगा भी लिया है तो पॉजिटिव वे में लिया है, तो इंटरटेनिंग फिल्म है, कॉमेडी भी मस्त है, गाने सारे अच्छे हैं, देखनी चाहिए फिल्म। कोई एक यूनिक पॉइंट जो ऑडियंसेस को जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है? वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ वो तो देखिए, एक स्त्री को ना, एक औरत को फिल्म देखनी चाहिए, अच्छी फिल्म है, ज़बरदस्त फिल्म है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन पहली बार उन्होंने किया है लेकिन अच्छा किया है, सॉन्ग अच्छे हैं, और राइटर ने भी मतलब कोशिश किया कि बढ़िया मैं फिल्म लिखूँ, जो ही लिखा है अच्छी फिल्म। अपार्ट फ्रॉम कंगना रावत, और कौन एक्टर या एक्ट्रेस है जो प्रभावित करने में कामयाब रहा? एक बच्चा है, वो काफ़ी अच्छा काम किया है, तो देखें फिल्म, देखिए अच्छा लगेगा। एंड आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4.5, अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टोरी में कितनी दम लगी? आई थिंक स्टोरी है, सबके लाइफ में सब कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी को, फिल्मी नहीं है कोई भी विलन ओवर द टॉप, ऐसा कुछ एक्शन ड्रामा ऐसा नहीं है, मेलो ड्रामा भी नहीं है, तो इट्स स्टोरी ही सब कुछ है। आई थिंक स्टोरी पे ही उन्होंने, डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो मूवी रेगुलर मूवी है। अगर कंगना के काम के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया? आई थिंक मुझे लग समहाउ मैं किसी और को सोच ही नहीं पा रही हूँ इस रोल में, आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब। रिचा चड्ढा के काम के बारे में क्या बताना? एज यूजल सारे ही एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे जस्सी गिल जो है वो भी आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी केमिस्ट्री विद कंगना बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग जिस तरह के हस्बैंड दिखाते हैं अच्छा है, अच्छा अगेन रिफ्रेशिंग, मुझे वो सेम बॉलीवुड एक्टर्स नहीं देखना है, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए आई थिंक वो ज़्यादा मूवी कन्विंसिंग आपको लगती है। इट्स कंगना थ्रू आउट, वैसे तो कंगना ने जिस तरह पोर्ट्री किया तो सारा कुछ कंगना के ही बारे में। इस मूवी का टैगलाइन है, जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, सो इस मूवी से आपको क्या लगा देखने? जो सपना देखते हैं वो ही उनका ही काम है पंगा लेना, अदरवाइज़ आप दूसरों को नहीं मतलब आप सोच सकते, हमेशा ही आपके आसपास इज़ नॉट द नेगेटिविटी नहीं है कि आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इनसाइड यू आर नहीं। अश्विनी मुझे वैसे ही उनका डायरेक्शन पसंद है, आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव डायरेक्टर, मैंने ये भी पढ़ा था कि शी मेड ये जो मूवी बनाई है उन्होंने अपने ही लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई है, एंड शी हैज़ अ हस्बैंड, शी हैज़ अ चाइल्ड, तो आई थिंक मुझे पसंद है वुमेन डायरेक्टर्स जो प्रोग्रेसिव आगे का सोच के और अभी के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक वो ज़ोया अख्तर दे आर बेस्ट डायरेक्टर्स, मैं चाहती हूँ और बनाए मूवी ऐसी। सो ये लोगों को कितना इंस्पायर करेगी? वुमेन को इंस्पायर डेफिनेटली करनी चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम आप सोच तो सकते हो कि यू शुड गो एंड सी द मूवी, तो वुमेन ने डेफिनेटली देखनी चाहिए, मैन तो देखना चाहिए। ये जो इसमें दिखाया है कि वो एक साल के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि हस्बैंड अगर टूर पे जाते हैं तो वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वुमेन अगर एक साल के लिए जाती है तो सभी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बारे में हाउ कूल ही इज़ एंड इट्स ओके, ये बहुत अच्छा है, तो आई थिंक ये बात अगर मैन को देख के कुछ सीखना चाहिए। 3.5।
थैंक यू।